अच्छा ए, एक दो बार फूट गया है क्या? सात आठ बार फूट चुका है। अच्छा, उसमें भी कोई स्पेस नहीं है वैसा। दुबले पतले हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती जिनके है ना बैठ जाएंगे इसके मामले में, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, 30-34 के से कम का माइलेज मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ सुमित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। भाई आज की इस वीडियो में हमारे सामने है डेटसन की एक ऐसी गाड़ी जो फिलहाल एक दो महीने पहले डिसकंटिन्यूड हो रखी है। तो मेरा मतलब एक काफ़ी समय से एक इंटेंशन था कि यार इस गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू लिया जाए। आखिर इसके डिसकंटिन्यूड होने के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या इसका एक्सपीरियंस है, और इसके कंपेरिजन में जैसे जो गाड़ियाँ हैं ऑल्टो की 800 वगैरह हो गई, वो गाड़ियाँ भाई लोग बाग क्यों प्रीफर नहीं करते, इसे क्यों करते थे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भाई मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ फेज भाई से, और इनका एक चैनल है यूट्यूब पर फेज ड्राइव करके। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना, एक बार जाके इनका कंटेंट देखना। लेकिन यार फेज भाई, जब मैं आपके पास आया, मतलब आपसे जब मेरी बात हुई थी तब तो आपने बोला था, उसी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जैसे भाई से मेरी बात हुई थी कि उस टाइम जब हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले थे कि डिटेल ऑनरशिप रिव्यू करेंगे, लेकिन ये शानू है हमारे, दिखा दीजिए उनको आप। अभी इनके पास मुझे अर्जेंटली इसको लाना पड़ा, और गियर बॉक्स पूरा इसका खुल के रखा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मैंने बोला था कि ऑनरशिप रिव्यू दूंगा, इसलिए मैंने बोला भाई को कि यहीं पर आ जाओ आप, यहीं पर टोटल ऑनरशिप रिव्यू मैं दे दूंगा। इसको लेके मैं घर से एक इमेज बना के आया था, बढ़िया से इसको चला वला के इसका रिव्यू करूँगा, बट ये यहाँ पर खड़ी है। तो एक चीज़, मतलब जिस हिसाब से मैं इस गाड़ी की हालत देख पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ जंग वंग लगी है, ये और ये जो देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है, हाँ, गाड़ी की गलती नहीं है या फिर आप क्वालिटी पे नहीं बोल सकते। हाँ, जो शेड आता ना आप, ये ब्लू कलर का शेड दिखाइए। हाँ, हाँ, ये जो शेड था बहुत ज्यादा हवा चल रही थी उस टाइम, तो ये हवा में उड़ा था और खड़ा शेड लग गया था यहाँ पे। तो इसकी जगह कोई भी अगर व्हीकल होता, कोई भी कार होती, तो उसका यह हाल होता, ये मैंने डेंट वापस निकलाया था तो इसको क्लियर नहीं करवाया था, इस वजह से ये थोड़ा सा जो जंग लग गया है इस पर। अच्छा, और एक्चुअल में आपको चीज़ बताऊं तो जैसे 2019 में इसको हमने परचेस किया था ना। अच्छा, 2019 है ये गाड़ी? 2019 मॉडल है, लग नहीं रही होगी देख के, बिल्कुल भी नहीं लग रही भाई। 2019 का मॉडल है ये, 2019 में परचेस किया था। हाँ, एक साल इसको यूज़ करे हैं, और देखिए भाई क्या रहता है, मेरा एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई हो, मुझे लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। जब सब जगह से बंद हो गई थी तो इन लोगों ने सोचा इसको इंडिया में लेके आते हैं, वहाँ पे ये चलेगी, लेकिन यहाँ भी नहीं चल पाई। ईयरली सेल इसकी 5000 यूनिट। अच्छा, बहुत कम फिगर है। हा? बहुत कम फिगर है, महीने में बिक जाती है मारुति वारुति, इससे ज़्यादा बिक जाती है। तो फिर आपको मतलब भाई इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल हैं, इसकी तो मेरे को नहीं लगता रीसेल वैल्यू भी उतनी अच्छी होगी। मारुति वारुति की अल्टो 800 वगैरह वो लेनी चाहिए थी, आपने ये गाड़ी क्यों ली? इसके हमारे के छोटे भाई के दिल दिमाग पे चढ़ गई थी, पता नहीं क्यों, मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि थोड़े बहुत पैसे मिला के बलेनो ले लेता उसी टाइम पे। अच्छा, लेकिन उसने ले ली, मैंने चलो ठीक है ले ली अब। लेकिन भाई सबसे बुरी चीज़ मैं बताऊँ इसमें आपको, इसमें 799 सीसी का इंजन आता है। आप कंपेयर टू अदर कार्स, जितनी भी 799 सीसी की कार से आप उससे कंपेयर करोगे तो सबसे वर्स्ट है। अच्छा, सबसे बेकार परफॉर्मेंस है 799 सीसी के हिसाब से। आपने ऑल्टो वगैरह भी चलाई होगी, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी पावर नहीं है। फार बेटर ऑल्टो इससे बहुत अच्छी है, क्विड ईऑन ले लें आप। दूसरी जो कार्स आप 799 सीसी की लेंगे वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। ये उनका पर्पज़ था इस गाड़ी को, इनका पर्पज़ था इस गाड़ी को लॉन्च करने के पीछे कि ये एक तो Hyundai ईऑन उस टाइम आती थी उससे, और ऑल्टो से मेन कि हम कंपटीशन करेंगे इनसे परफॉर्मेंस में और स्पेस में। आप देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मेरे जैसा इंसान है, जैसे मेरी 5'9" हाइट है और 90 किलो वजन हो रहा है, अच्छा, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। अभी देखिए इसमें गियरबॉक्स पूरा खुला पड़ा हुआ है। अच्छा, गियरबॉक्स का काम हो रहा है। अरे भाई बहुत हालत खराब लग रही है इसके अंदर। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे जैसा इंसान है, आप थोड़ा दूर से दिखाइए। हाँ, है ना, मेरे जैसा इंसान है, तो अभी ये फुल मैंने पीछे कर रखा है तो मैं कंफर्टेबली चला सकता हूँ, मैं पीछे सही से इंसान नहीं बैठ सकता है। आगे कर लूँगा तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है इसमें चलने में। और रही क्वालिटी की बात, तो क्या है कि आप हाईवे पे चला रहे हो जब तक ठीक है, लेकिन आप इसे अगर झचके वगैरह में चलाते हो। एक बार पीछे का स्पेस में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप बैठे रहो। अच्छा, इसको ओपन करना, बहुत बर्बाद हो रही है गाड़ी, देर नहीं कर भाई। यार ये देखो भाई, इसमें तो टांग ही अड़ जाएगी यार व्यक्ति की। और ये आपने इसमें पीछे में देख पा रहा हूँ, बूट स्पेस तो बिल्कुल नहीं है, सीएनजी वगैरह भी लगवा रखा है क्या? सीएनजी इसमें कंपनी फिटेड है कि बाहर से लगवाया? सीएनजी आता ही नहीं है इसमें,
कितना एवरेज देती थी ये? एवरेज का तो मैं फैन हो गया इसमें। सीएनजी पे इतना खतरनाक माइलेज आता है इसका, 34 का माइलेज निकाला मैंने सीएनजी पे। सब लोग माने नहीं, वो तो उनके हेडेक है। अच्छा, मैंने निकाला इसमें 34 का माइलेज सीएनजी पे। और एक बार निकाला था, मतलब बहुत तरीके से चला रहे थे। ये शानू भी बैठा हुआ था उस टाइम मेरे साथ, इससे खुद पूछ लो आप। 34 का माइलेज निकला था उस टाइम पे। अच्छा, इसकी एमआईडी वगैरह में माइलेज शो करता है क्या? सीएनजी वाला माइलेज शो नहीं करेगा भाई, वो तो आप नॉर्मल एक अंदाजा ही लगाना पड़ता है उसमें। तो कितनी गैस डलवाई है, कितनी चली है, उस हिसाब से। और आपको मैं बता दूं कि टोटल 1,00,000 से ऊपर चला दी मैंने इसे। अच्छा, बीच में मीटर बंद हो गया था इसका, तो 10-15,000 माइनस हो गया था, लेकिन 1,00,000 से ऊपर चल चुकी है। सेल्फ चेंज हो चुका है, सस्पेंशन में काम हो चुका है, बैटरी भी बदला जा चुकी है, गियरबॉक्स खुला पड़ा है, और गियरबॉक्स का सेटअप पूरा पड़ा हुआ है। मेरी राय तो यही है कि ये गाड़ी को सेकंड हैंड भी मत खरीदना। अरे मिले तो क्योंकि थोड़ी सी रफल टफ नहीं। ऑल्टो वगैरह अगर अपन ऑफ रोड वगैरह में चलाओ, कितनी जल्दी गाँव में ऑल्टो। ये एवरग्रीन है, दोनों ऑल्टो खड़ी है। इसके टायर्स भी मैं देख पा रहा हूँ भाई, इसने टायर भी अच्छे ही खाए हैं। खराब बात मैं बताऊँ, इसका चैम्बर इतना कमजोर है कि फोर सपोज रुक जाओ, प्लास्टिक का तो है लेकिन ये जैसे ही पत्थर है, इसका आधे साइज का भी अगर पत्थर होगा और वो चक की गलती से लग गया तो इसका चैम्बर चला जाएगा। अच्छा, एक दो बार फूट गया है क्या? हाँ, 7-8 बार फूट चुका है। अच्छा, 8 शायद मेरे ख्याल से 10 बार ही हो गया होगा। हाँ, 10 बार चैम्बर जा चुका है इसका। हाँ, और देखो मैंने एक चीज और मैं ये बता रहा हूँ क्लियर इसमें कि ये जो प्रॉब्लम मुझे आई, हम लोग बहुत रफ यूज करते हैं भाई, गाँव में चलाते हैं, जरूरी नहीं कि सबको आए ऐसी प्रॉब्लम। वो बोल रहा है देखो उधर उनको दिखाओ, ये हमारे भाई बोल रहे हैं ये रीसेल भी नहीं करती मार्केट आर्ट, मतलब ये इंसान बोल रहा है काम कर करके थक गए। अच्छा, ये जो हमारे आसिफ भाई हैं मैकेनिक इंसान। अच्छा, ये इस गाड़ी में काम कर करके थक गए। हमेशा से इसका काम बाहर ही हुआ है कि सर्विस सेंटर वगैरह में भी लेके गए? फ्री सर्विस थी वो तो अपन ने करवाई, अब 1,00,000 से ऊपर चल के तो बाहर ही कराएंगे, तो भोपाल जाएगा बार बार गाड़ी को लेकर सर्विस कराना। सर्विस सेंटर वगैरह में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? सर्विस सेंटर में उस टाइम बढ़िया रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती सर्विस सेंटर, लेकिन ये कि बहुत दूर जाना पड़ता। तो एक आध पेड सर्विस करवाई आपने इसकी? पेड सर्विस वहाँ से नहीं कराई, बाहर से ही कराई है। बाहर से ही करवाई है? अच्छा, तो फिर भी मतलब इसकी पेड सर्विस, जैसे कि नॉर्मल अल्टो वगैरह 2-3 हज़ार में पेड सर्विस भी आराम से हो जाएगी अगर अच्छी कंडीशन है नॉर्मल, तो इतने में ही हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें 17-17 हज़ार का भी काम कराया है इसकी कंडीशन की वजह से, क्योंकि रफ एंड टफ नहीं है। प्यार से चलाओ आप, अच्छे से चलाओ तो ये चलेगी। स्पेस के मामले में अगर देखा जाए तो 4 लोगों के लिए बहुत बेटर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सीएनजी लगवाएंगे आप तो माइलेज के मामले में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, 30-34 के से कम का माइलेज मिलेगा ही नहीं। बट भाई ऐसा माइलेज किस काम का जब गाड़ी ही नहीं बचेगी थोड़े दिन बाद? 10 किलोमीटर सीएनजी के बाद गाड़ी खत्म हो जाती है। अच्छा, और बाकी? हाँ, क्लच प्लेट भी 8 दिन पहले ही डाली है। क्लच प्लेट भी खा चुकी है? हाँ, बहुत बार खा चुकी है। एक बार तो इसका क्लच प्लेट वगैरह काम आप शोरूम से करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं यार, शोरूम देखो भाई मैं रहता हूँ 60 किलोमीटर दूर भोपाल से, ठीक है? हाँ। और भोपाल से भी 20 किलोमीटर आगे शोरूम है, मतलब 80 किलोमीटर वहाँ जाना। होशंगाबाद रोड पे, होशंगाबाद रोड पे पॉसिबल नहीं हो पाता है वो, इसलिए थोड़ा सा करवा लेते। और हमारे शानू बहुत अच्छा काम करता है, दिखाई है इनको, बहुत अच्छा काम करते हैं परमानेंट। ये इनके पास, ये देखो आप कैपिटल मोटर्स जो है ना, आपको कैप्टिवा एप्टिवा जैसी गाड़ियाँ सही होती दिखेंगी, जो भोपाल में भी सही नहीं करती, यहाँ तक कि ऑडी तक रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ऑडी तक रिपेयर कर देते हैं। क्या प्राइस था इसका जब आपने लिया था उस समय? यार ये उस टाइम क्या, ये लोग पेमेंट करने गए थे कुछ समथिंग 4.25 के समथिंग पड़ी थी शायद। अच्छा, 4.25 लाख के समथिंग टोटल प्राइस। 4.25 लाख में यार भाई और भी ऑप्शन थे तो बताया था आपको छोटे भाई को। मुझे भी मतलब इसका डिज़ाइन जो है उतना पसंद आया नहीं, बट इसमें एक चीज़ उस समय आती थी कि ये जो गाड़ी है ना, ये थर्ड रो भी ऑफर कर दिया करती थी, थोड़ा बहुत ही पैसा उसमें बढ़ता था अगर वो तो वाला वेरिएंट इस गाड़ी का लिया जाए। लाइन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, डायमेंशन बढ़ जाते हैं ना, डायमेंशन बढ़ जाते हैं, पर जिसको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो उस वाले वेरिएंट को ले तो थोड़ा सा एक लॉजिक बनता है। बट यार इसको लेना मेरे को किसी भी हिसाब से, देखो इस बात बताऊँ 7 सीटर कुछ भी नहीं है, वो नाम की भी नहीं है। हाँ, उसमें आप एक प्रैक्टिकली कभी फेस करना या देखना आप गाड़ी को। हाँ, आपको पता चलेगा उसमें भी कोई स्पेस नहीं है वैसा, दुबले पतले हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती जिनके है ना वो बैठ जाएंगे, बाकी तो नहीं बैठ पाएंगे लोग उसमें भी, ऐसा कोई स्पेस मिलेगा नहीं। क्योंकि आजकल तो साला सफारी जैसी गाड़ी जो उन्होंने लॉन्च करी उसमें थर्ड रो में स्पेस नहीं मिल रहा था, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ ये भी बात है, है ना। बट एक सबसे सस्ती जो 7 सीटर है वो बन जाती थी, अब तो खैर ट्राइबर हो गई उसकी जगह पे। हाँ। बट एक सबसे सस्ता ऑप्शन जो मतलब एक्चुअली
बूट स्पेस के तौर पे तो भाई उसको काफी अच्छे से लोग बाग यूज कर सकते थे, ठीक ठाक बूट मिल जाता है, लेकिन सीएनजी लगने के बाद इतना कुछ स्पेस बचेगा। और अगर आप ये लगवाना चाहें तो किट बहुत अच्छी है, मैंने ग्रीन गैस की किट लगवाई थी, ये समथिंग अराउंड 35,000 की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कार्ड पे चढ़ने के बाद पड़ी थी ये। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन कार्ड क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, बेकार की क्वालिटी है। तो भाई देखिए, जिनके पास डेटसन है, मैं खुद वीडियोस बनाते रहता हूँ, मैं किसी के पर्सनल सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिनके पास भी डेटसन है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उनके पास अच्छी है भी। ये आपको मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा इसका। एक वजह ये भी रही कि देखिए, गाँव में हम लोग चलाते हैं, मतलब जिन रास्तों पर थार चली थी उस रास्ते पर ये चलती है। दूसरी मेन चीज़ ये भी रही कि सर्विस सेंटर पे हम रेगुलरली सर्विस नहीं, मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराना चाहिए, दो पैसा ज़्यादा लग जाता है। वो चाहे कितना भी अच्छा मैकेनिक हो, सर्विस सेंटर की क्वालिटी बाहर वाले मैच नहीं कर पाते, हो जाता है। बाकी बस यही प्रॉब्लम फेस करी मैंने, बाकी आपको चैम्बर वगैरह का बता ही दिया। बाकी यार इसको चला के देखने का काफी मन था, फिलहाल की स्थिति तो ये है, थोड़ा सा रिपेयर करवाने हो कि आप वो करो कि रिपेयर हो जाए। चलो फिर कभी दूसरे वीडियो में इसको चला करके देखेंगे जब ये अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।